हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि मोदी जी और योगी जी अपना घर और परिवार छोड़कर अपने देश और अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता देना चाहते कि मोदी जी को कई साल हो गए अपना घर और परिवार छोड़े हुए हैं, लेकिन आपको बता देना चाहते कि मोदी जी ने पहले कई बार कहा था कि उनके लिए तो 125 करोड़ देशवासी उनके लिए उनका घर और परिवार है। हालांकि आपको बता देना चाहते कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से कि मोदी सरकार ने कहीं पुराने से पुराने मुद्दों को उखाड़ कर फेंक दिए हैं, जैसा कि कश्मीर से धारा 370 और 35 को। ऐसे में दोस्तों आपको बता देना चाहते कि आज भी मोदी जी की जो पत्नी है खुद के दम पर छोटा मोटा कार्य करके अपना गुजारा करती है, ना कि मोदी जी से किसी तरह की उम्मीद रखती है। आपको बता देना चाहते कि मोदी जी की पत्नी एक रिटायर्ड शिक्षिका है। बताया जाता है कि उनको वर्तमान में 14,000 रुपये पेंशन मिलती है, जिससे वो अपना घर और परिवार चलाती हैं। साथ ही आपको बता देना चाहते कि भले ही मोदी जी और उनकी पत्नी कितने सालों से क्यों ना अलग अलग रह रहे, लेकिन मोदी जी की पत्नी हमेशा से मोदी जी के बारे में अच्छा ही सोचते आए हैं। आपको बता देना चाहते कि जब पहले मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तब मोदी जी की पत्नी ने पहले कई बार कहा था कि यदि उनके पति प्रधानमंत्री बनते तो उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन आप जानते हो कि इस समय मोदी जी देश के दोबारा प्रधानमंत्री हैं और दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार कहीं ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई जा रही है। और आपको बता देना चाहते कि मोदी जी की शादी जी गुजरात के एक छोटे से गांव में हुई है। हालांकि ये शादी सिर्फ 3 साल चली, उन्हें 3 सालों में बताया जाता कि मोदी जी और उनकी पत्नी का जो साथ था वो सिर्फ 3 महीने का ही था। जब पहली बार मोदी जी की पत्नी ससुराल आई तब मोदी जी ने कहा कि तुम इतनी छोटी उम्र में ससुराल क्यों आई, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। उस समय मोदी जी की पत्नी की उम्र जो लमसम 16-17 साल थी और मोदी जी की जो 20-22 साल थी। और मोदी जी ने यह भी बताया था कि मैं पूरे देश के भ्रमण पर निकलूँगा, जहाँ पर मुझे अच्छा लगेगा मैं वहाँ पर रह सकता हूँ, तुम मेरे साथ क्या करोगे। बाद में मोदी जी अपना घर और परिवार छोड़कर संघ और आरएसएस में चले गए। उसके बाद मोदी जी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों आप भी मानते हो कि मोदी है तो मुमकिन है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।